हेलो फ्रेंड्स, मैं सुशी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आपने प्याज के पकोड़े और कचौरी तो बहुत बार खाई होंगी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और टेस्टी सी रेसिपी, इसे आप सब बहुत पसंद करेंगे। आप इसे लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट में ट्राई कर सकते हैं, तो आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी के बारे में बताऊंगी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऑनियन परांठा। खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं और बनाने में बहुत ही आसान है। मैंने 5 से 6 प्याज को लंबे लंबे स्लाइस में काट लिया है। प्याज के सभी स्लाइस को आप अलग अलग कर लीजिए, जिस तरह से हम कचौरी में करते हैं। उसके बाद हम एक कढ़ाई में लगभग 2 से 3 चम्मच ऑयल गर्म करेंगे। ऑयल के गर्म हो जाने पर इसमें 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई, आधा छोटा चम्मच हींग, 3 से 4 बारीक कटी हरी मिर्च, लगभग 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच कस किया हुआ धनिया। अब हम इसमें कटे हुए प्याज डालेंगे और इसमें 1 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे थोड़ी देर ढककर पकाएंगे। प्याज के थोड़ा सॉफ्ट होने पर इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैंने यहाँ लगभग 4 से 5 चम्मच बेसन डाला है। बेसन को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कच्चापन दूर नहीं होता। इसे पकाने में लगभग हमें 4 से 5 मिनट लगेंगे। देखिए बेसन हमारा अच्छे से भून चुका है, इसमें एक सौंधी सी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे और लगभग 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर, थोड़ी सी चीनी डालेंगे, स्प्रिंग ऑनियन डालेंगे। अगर आपके पास स्प्रिंग ऑनियन नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। सभी चीजें डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए हरा धनिया डालेंगे। परांठा के लिए हमारी स्टफिंग बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब हम एक लोई लेंगे और उसमें थोड़े से सफेद तिल और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर बेल लेंगे। बेलने के बाद इसे हम दूसरी साइड से पलट देंगे और इस पे वो स्टफिंग डालेंगे जो हमने तैयार करके छोड़ दी थी। स्टफिंग डालने के बाद इसे हम फोल्ड कर लेंगे। परांठा आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग किसी भी शेप में बना सकते हो। अब हम एक तवा लेंगे और इसे गर्म कर लेंगे और उस पर ये परांठा डाल देंगे। परांठा डालने के बाद इसके दोनों तरफ आप घी या तेल जो आपको पसंद हो लगा दीजिए। इसे दोनों साइड से अच्छे से सेक लीजिए। हमारा डिलीशियस और यम्मी सा ऑनियन परांठा बनकर बिल्कुल तैयार है।